बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जुहर लोला भी आपके साथ। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई की जानिब से अब 2000 का जो नोट है उसकी सर्कुलेशन पर पाबंदी आयद की गई है, उसकी सर्कुलेशन को बंद कर दिया गया है। इस हवाले से आरबीआई की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया हुआ है और बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो 2000 का नोट जारी करना जो है वो अब बंद कर दे। इसमें दो चार पॉइंट्स अहम हैं कि जिनके पास 2000 के नोट है अब वो क्या करेंगे, या 2000 का नोट अब चलेगा या नहीं। दो चार पॉइंट्स अहम हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो तारीख दी गई है इस हवाले से 23 मई, आज 19 मई है, 23 मई से आप अगर आपके पास 2000 के नोट है उसको जमा करा सकते हैं या तब्दील करा सकते हैं अपने बैंक खातों में, उसे आप जमा करा सकते हैं या बैंक जाके आप उसे तब्दील करा सकते हैं, उसके बदले आप 500 के नोट हासिल कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि एक टाइम पे आप सिर्फ 20,000 तक की रकम जो है वो जमा करा सकते हैं या तब्दील करा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 2000 के नोट मिलाकर 20,000 तक ही आप एक वक्त में जमा करा सकते हैं बैंक में या उसे तब्दील करा सकते हैं। और जो टाइम दिया गया है वो 23 मई से ये 16 दस्तयाब होगी बैंक तमाम बैंक शाखों में, जहां पे आप जो 2000 के नोट है उसे चेंज करा सकते हैं। और आखिरी तारीख जो है वो 30 सितंबर तक दिया गया है कि आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर के दरमियान आप किसी भी वक्त बैंक जाकर अपने 2000 के नोट जो है वो तब्दील करा सकते हैं या अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एक वक्त में आप सिर्फ 20,000 तक ही रकम जो है वो जमा करा सकते हैं या तब्दील करा सकते हैं। और इसमें जो अहम बात आपको याद होगा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब 2000 का नोट जो है वो वजूद में आया था, लेकिन अब जो है आरबीआई की जानिब से इसकी सर्कुलेशन पर पाबंदी आयद की गई है। हालांकि अभी तो ये मार्केट में चलेंगे, लेकिन अब जो सर्कुलेशन है वो उस पर पाबंदी आयद की गई है और 30 सितंबर आखिरी तारीख दी गई है। तो अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो आप 30 सितंबर से पहले पहले वो बैंक में जमा करें या उसे जो है बैंक से तब्दील करवाएं।